गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी में हिंदी ग्रामर से चैप्टर 11, जिसका टॉपिक है समान अर्थ वाले शब्द, पढ़ेंगे। आज हम लोग व्याकरण से समान अर्थ वाले शब्द के बारे में जानेंगे, जिसको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोगों के बुक में, ग्रामर की बुक में चैप्टर 11, जिसका टॉपिक है समान अर्थ वाले शब्द, इसमें आप लोगों को दो बच्चे बात करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, जैसा कि देखिए बुक में दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, है ना? क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं, कितने काले मेघ हैं, लगता है वर्षा होगी। हाँ, लड़की बोलती है, हाँ बादल छाए हैं, बारिश तो होगी ही। यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ शब्द बताए गए हैं, मतलब समान अर्थ वाले शब्द, जिसका मतलब होता है एक शब्द के बहुत सारे अर्थ, जो कि समान ही होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे बच्चे ने कहा कितने काले मेघ हैं, लगता है वर्षा होगी, तो लड़की बोलती है हाँ बादल छाए हैं, बारिश तो होगी ही। लड़के ने मेघ का शब्द का प्रयोग किया और लड़की ने उसी शब्द को बादल का प्रयोग किया। ठीक है, फिर लड़के ने वर्षा का प्रयोग किया शब्द का और लड़की ने उसी शब्द को बारिश का शब्द प्रयोग किया। तो बच्चों, यहाँ पे यही बताने का मतलब है कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन वो समान होते हैं। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए चित्र में एक बच्चे ने मेघ और वर्षा की बात की, वहीं दूसरे ने मेघ के लिए बादल और बारिश की बात की। दोनों ने ये शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह हम एक वस्तु या व्यक्ति को कई नामों से पुकार सकते हैं। इस प्रकार इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो शब्द एक अर्थ बताते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। का मतलब हुआ, जो शब्द एक ही अर्थ बताते हैं उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आप लोगों के बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कमल का फूल बना हुआ है, कमल को बच्चों नीरज और पंकज भी बोला जाता है। कमल, कमल का अर्थ, कमल का पुष्प, पुष्प मीन्स फूल, फूल का एक और शब्द हो सकता है पुष्प, है ना, उसको फूल भी कहते हैं। तो यहाँ पे कमल का जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें आप लोगों को एक शब्द का दो दो शब्द समान अर्थ दिया है। नीरज, पंकज, इसका मतलब भी क्या होता है, कमल। ठीक है, दूसरा पिक्चर बना हुआ है सूर्य, उसको बच्चों दिनेश और दिवाकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग एक अर्थ क्या होता है, सूर्य ही होता है। जैसे आपकी बुक में चंद्रमा भी दिया है, उसका मतलब हुआ चंदा, निशीत, इसका मतलब भी क्या होता है, चंदा ही होता है, चंद्रमा ही होता है। नेक्स्ट है पेड़, पेड़ बच्चों तरु, विपट, इसको बोलते हैं पेड़ को, उसका एक ही अर्थ होता है पेड़। जैसे मैंने आप लोगों को फूल बताया, फूल पुष्प और सुमन भी बोलते हैं फूल को। अब जैसे हमारे हाथ में ये बुक है, किताब है, जिसको हम लोग बुक भी बोलते हैं, किताब भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पुस्तक भी बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ समान ही होता है ना, कि ये किताब है, है ना। फिर घर, उसको सदन भी बोलते हैं, गृह भी बोलते हैं। पहाड़, सैल और पर्वत भी बोलते हैं। जल, जिसको हम लोग पानी पीते हैं, पानी भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं और नीर भी बोलते हैं। उसके बाद विद्यालय, जिसको स्कूल भी बोलते हैं, पाठशाला भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आकाश, जिसको गगन, अंबर, है ना, उसको ये विभिन्न तरह के शब्दों से प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका समान अर्थ एक ही होता है। इस तरह से आपके बुक में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसके समान अर्थ एक ही तरह से हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर में ग्रामर से हम लोगों ने सीखा कि समान अर्थ वाले शब्द, जिसका मतलब होता है वो शब्द जो एक ही अर्थ बताते हैं उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।